हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.20 चैप्टर 17 सॉरी चैप्टर नंबर 7 का एसी चैप्टर है हमारा, उसके क्वेश्चन नंबर 20 है। अक्सर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो देखो, क्वेश्चन हमारे पास है, सीरीज एलसीआर सर्किट विद एल इज इक्वल 0.12 हेनरी, सी इज इक्वल 480 नैनोफैरड, आर इज इक्वल 23 ओम इज कनेक्टेड टू ए 230 वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। What is the source frequency for which the current amplitude is maximum and obtain this value? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, what is the source frequency for which average power absorbed by the circuit is maximum and obtain this maximum value of power? After that, third question में है हमारे पास है, for which frequencies of the source is the power transferred to the circuit is half the power at resonance frequency? What is the current amplitude at these frequencies? And last question हमारा है, what is the quality factor of the given circuit? ठीक है, ये हमारा question। चलिए हम चलते हैं answer के पास। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास question में क्या क्या चीज available है। question में हमारे पास available जो data है, पहले हम थोड़ा उसे highlighted कर लेते हैं, इससे थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए देखो, हमारे पास गिवन है सबसे पहले इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एल हमारे पास अवेलेबल है, कैपेसिटेंस अवेलेबल है, रेजिस्टेंस अवेलेबल है, कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स। तो हमारे पास जो डाटा है वो क्या क्या है देखते हैं। पहले C इज इक्वल, देखो 480 नैनो फैरड, इट मींस हम इसे लिखते हैं 480 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 फैरड। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, दैट इज हमारा 23 ओम। और अगर हम बात करते हैं इंडक्टेंस के बारे में, सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास 0.12 हेनरी है, और इसे कह रहा है कनेक्शन दिया जा रहा है किसके साथ, 230 वोल्ट। अब देखो, बेसिकली हमारे पास ये जो 230 वोल्ट है आरएमएस वैल्यू होती है, तो यहां पर हम प्लेस करते हैं, दिस इज हमारा वी आरएमएस, और वी आरएमएस हमारे पास कितना है 230 वोल्ट। ठीक, चलिए अब फर्स्ट पार्ट के पास चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। पहले तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिसके लिए करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। अब देखो, हमने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है कब, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। तो हम लिखते हैं एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट एम्पलीट्यूड। करंट एम्पलीट्यूड मीन्स आई नॉट, हम कह सकते हैं आई नॉट इज मैक्सिमम। ठीक है, करंट एम्पलीट्यूड को आई नॉट बोला जाता है। अब पहले तो वो फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हमारा एफ इज इक्वल 1/2 पाई रूट ओवर 1/LC। ठीक है, प्लेस करते हैं वैल्यू, तो 1/2 पाई एज इट इज, ठीक है, और इंटू में 1/√LC। अभी एल की वैल्यू कितनी अगर हम प्लेस करते हैं, देखो हमारे पास आंसर आता है, सेल्फ इंडक्टेंस था 0.12 इंटू कैपेसिटेंस हमारे पास अवेलेबल है 480 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। ठीक है, ये सारा मैटर सॉल्व करने के बाद पाई की वैल्यू हम लोग प्लेस करने वाले हैं 2 × 3.14 इंटू रूट ओवर, चलो 1/√ पावर अगर हम देखें, देखो 2 जीरो यहां से गए, 11 हो गया, 1 जीरो यहां से गया, 10 हो गया, तो ये हमारे पास बना 4 × 12 × 10 टू पावर माइनस 10। और फाइनली सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है अप्रोक्सीमेट 663 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारे पास आती है वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट एम्पलीट्यूड जो है हमारा वो क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। ठीक, कंप्लीट हो गया। चलिए देखो, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं क्वेश्चन का। तो अभी हम यहां से फर्स्ट पार्ट को रफ कर रहे हैं, ठीक है, 1/1 चल रहा है, कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं हम। तो यहां से फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 663 हर्ट्ज है। चलिए, मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं, रफ कर रहा हूं इसे हम। ठीक है, चलिए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अभी देखो इसके फर्स्ट पार्ट में एक और चीज पेंडिंग है हमारे पास, सॉरी एक और चीज पेंडिंग क्या है, वो कह रहा है भाई ऑब्टेन दिस मैक्सिमम वैल्यू। कह रहा है जो करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। बेसिकली हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, देन हमें वही प्लेस करना पड़ेगा। देखो हमारे पास क्या होगा, I नॉट
इसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, देन आई नॉट इज इक्वल क्या होगा हमारा, वी नॉट डिवाइड बाय जेड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये याद करना है कि हमारे पास सर्किट के अंदर जब एलसीआर सर्किट होता है तो करंट मैक्सिमम कब आता है, करंट मैक्सिमम आता है रेजोनेंस पर, और रेजोनेंस पर आने का मतलब क्या होता है, हमारे पास एट रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस पर क्या होता है, जेड इज इक्वल आर हो जाता है। देन हम प्लेस करते हैं आई नॉट इज इक्वल वी नॉट बाय आर। अब वी नॉट क्या होगा हमारा, रूट टू टाइम्स ऑफ, रूट टू टाइम्स ऑफ वी आर एम एस डिवाइड बाय आर। प्लेस करते हैं तो रूट टू एज इट इज इंटू हमारे पास क्या है वी आर एम एस, अगर हम देखते हैं हमारे पास 230 गिवन है, 230 प्लेस किया। आफ्टर दैट अगर हम आर के बारे में बात करते हैं तो आर हमारा 23 था, और फाइनली हम यहां से कहते हैं कि हमारा जो आई नॉट होगा, दिस आई नॉट विल बी, देखो यहां से कैंसिल आउट होने के बाद आंसर मिलता है 14.1 एम्पीयर। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं हम सेकंड पार्ट के बारे में, देखो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम। कह रहा है कि जो सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिसके लिए पावर एब्जॉर्ब जो है सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम हो जाए। देखो पावर का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, पी इज इक्वल वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, अब पावर मैक्सिमम करनी है, पावर मैक्सिमम मतलब क्या है हमारा, ये जो कॉस फाई आ रहा है इस कॉस फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब कॉस फाई 1 कब आता है, कॉस फाई तो रेजोनेंस पर 1 आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, रेजोनेंस ही वो कंडीशन होगी जिस कंडीशन में हमारा क्या होगा, पावर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो मैक्सिमम रहेगा। तो हम लिखते हैं एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर क्या होगा, पावर एब्सॉर्ब, पावर एब्सॉर्ब विल बी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब पावर एब्सॉर्ब मैक्सिमम है हमारे पास तो पावर कितनी बनेगी भाई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 663 हर्ट्ज हमारे पास अवेलेबल है। और अब कह रहा है हमसे, देखो आगे क्या कह रहा है, कहता है ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम पावर, पावर की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। पावर की मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, देखो पावर मैक्सिमम हम लोग अच्छे से जानते हैं कितनी होगी हमारे पास, पावर के बारे में अगर हम बात करें, पावर हमारे पास क्या होगा, यहां से मैं लिख सकता इसे प्लेस कर सकता हूं। देखो वी, अब देखो अगर हम बात करते हैं पावर मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला बना वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, कॉस फाई तो हमारा 1 हो गया। अब देखो वी आर एम एस हमारे पास अवेलेबल है लेकिन आई आर एम एस नहीं है क्योंकि आई नॉट मैक्सिमम, आई नॉट हमारे पास अवेलेबल है। काम करो वी आर एम एस को हम प्लेस कर सकते हैं आई आर एम एस इंटू किसमें, आई आर एम एस हमारे पास होगा आई आर एम एस इंटू आर। ठीक है, वी आर एम एस बेसिकली क्या होगा हमारा, वी आर एम एस को लिखते हैं, वी आर एम एस को हमने लिख दिया आई आर एम एस इंटू आर। आर हमारे पास क्या होगा, सर्किट के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है तो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, जेड के, जेड इज इक्वल टू आर हो जाता है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो इंटू में क्या बना हमारा आई आर एम एस, देखो फाइनली आंसर में हमें क्या मिलता है, लिखते हैं यहां से आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। चेक करते हैं जरा वैल्यू क्या आती है, देखो आई कितना है, आई नॉट हमने कैलकुलेट किया है, आई नॉट हमारा कितना आया है, आई नॉट हमारे पास है, अब देखो हमें तो आई आर एम एस चाहिए, तो आई आर एम एस को हम क्या लिखते हैं, आई आर एम एस लिख सकते हैं आई नॉट डिवाइड बाय रूट टू का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अभी आई नॉट कितना है हमारा, आई नॉट हमने कैलकुलेट किया था, देखो ये कितना आता है यहां से रिजल्ट हमारे पास था रूट टू इंटू 10 डिवाइड बाय रूट टू अगेन, इसका हमें करना है स्क्वायर इंटू आर और आर की वैल्यू है 23 ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, रूट टू से रूट टू मर गया, देन आंसर हमें क्या मिलता है यहां से मिलता है 2300 वॉट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आती है मैक्सिमम पावर, ये क्या है मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2300 वॉल्ट, सॉरी नॉट वोल्ट, पावर है ये, तो पावर हमारे पास बनता है वॉल्ट। ठीक है, कंप्लीट हो गया, चलिए जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, इसे हो गया, चलिए रफ करते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि फॉर विच फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द सोर्स दिस द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ द पावर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें बताना है पहले तो वो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है और फिर उस फ्रीक्वेंसी रेंज पर करंट एम्पलीट्यूड भी बताना है कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी है। देखो फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले तो एक चीज याद रखनी है कि ये कंडीशन हमारे पास आता है रेजोनेंस वाले स्टेट में, जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस के
आइदर साइड एक कंडीशन बनती है जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पर हमारे पास जो करंट है आई नॉट बाय रूट टू के बराबर हो जाता है, ठीक है, जिस कंडीशन पर करंट की वैल्यू हमारे पास आई नॉट बाय रूट टू के बराबर होता है उसी कंडीशन पर हमारे पास बेसिकली यहाँ पे पावर की कहानी आती है, उसी टाइम पर पावर जो है हमारे पास वो हाफ होती है। पावर हाफ कैसे हो जाती है, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा आई स्क्वायर आर, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू आर, यहां पर क्या हो रहा है मैक्सिमम पावर का हाफ है, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर का हाफ हमारे पास कब होगा, उसी कंडीशन पर होगा जिस कंडीशन पर करंट जो यानी जो आई नॉट है हमारा वो अपनी क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू के 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और इस रेंज को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा इक्वल ओमेगा आर प्लस माइनस डेल ओमेगा, ठीक है, यहां पर जो ओमेगा है हमारे पास वो क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेंज एट विच क्या हो जाए हमारे पास जो पावर ट्रांसफर्ड हो रही है, देखो इसने बोला है ना द हाफ द पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसने कहा है कि जो पावर ट्रांसफर्ड है एवरेज पावर जो ट्रांसफर हो रही है वो किसके बराबर है हाफ द पावर एट कहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पावर कितना है हमारे पास मैक्सिमम पावर तो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है, चलिए बनाते हैं कहानी को। तो हमारे पास ओमेगा है हमारे पास लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो ओमेगा से फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम यहां से लिख सकते हैं एफ इज इक्वल एफ आर प्लस माइनस डेल ओमेगा डिवाइड बाय 2 पर, ठीक है। अब हमारे सामने जो प्रॉब्लम है ना वो डेल ओमेगा बाय 2 पाई कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमने कैलकुलेट किया था 663 हर्ट्ज, ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट फेज में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाली थी जिसकी वैल्यू आई थी 663 हर्ट्ज, तो ये तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमें भी क्या कैलकुलेट करना है डेल ओमेगा बाय 2 पाई। अब डेल ओमेगा क्या होता है, देखो डेल ओमेगा बेसिकली होता है हमारा आर बाय 12 रेजोनेंस यानी क्वालिटी फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट करने जाते हैं डेल ओमेगा बाय 12 डेल ओमेगा बाय 2 पाई, इट मींस हम लिखते हैं यहां पर इसे 1/2 पाई और आर डिवाइड बाय 12, ठीक है। अभी देखो यहां से हम लिखते हैं डेल ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल 1 × r, r की वैल्यू हमारे पास है 23, 2 एज इट इज है 3.14 इसे प्लेस करते हैं और इनटू में क्या है 2 और इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है यहां पे l और l की वैल्यू कितनी है 0.12 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, देन प्लेस करते हैं कितना आता है डेल ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई, ये वैल्यू हमारे पास आती है यहां से कैलकुलेट करने के बाद अप्रोक्स अगर हम बात करते हैं देन दिस रिजल्ट विल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 15.25 हर्ट्ज, ठीक है, तो डेल ओमेगा की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो, ये डेल ओमेगा बाय 2 पाई की वैल्यू हमने क्या करनी है यहां पे प्लेस करनी है और इस केस में हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट आएगा। तो देखो अगर हम F1 के बारे में बात करते हैं F1 कितना था FR कितना था 663 प्लस 15.25 इक्वल कितना बना देखो 678.25 हर्ट्ज, और F2 हमारा कितना बनता है यहां पर F2 के बारे में अगर हम बात करें देखो ये कितना बना 663 माइनस 15.25 इक्वल कितना आएगा ये बना हमारे पास 647.75, ठीक है 75 हर्ट्ज, ये हमारे पास आता है यहां से फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है एक फ्रीक्वेंसी आती है 678.25 एक आता है 647.75, ठीक है, ये कब हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है किस कंडीशन में जिस कंडीशन में हमारे पास जो पावर ट्रांसफर्ड हो रही है वो क्या है हाफ है मैक्सिमम पावर के, ठीक है। चलिए अब इसका एक और हिस्सा भी हमारे सामने बाकी है उसके बारे में और बात कर लेते हैं अभी हम लोग। देखो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द करंट एम्पलीट्यूड एट दीज फ्रीक्वेंसीज, इन फ्रीक्वेंसीज पर करंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। देखो अभी अभी मैंने बात की थी आप लोगों से हमारे पास क्या था फ्रीक्वेंसी रेंज जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पर करंट एम्पलीट्यूड क्या करेगा हमारा 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। इट मींस हम यहां से प्लेस करते हैं आई विल बी आई डैश विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए आई नॉट बाय रूट टू। आई नॉट की वैल्यू कितनी थी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था आई नॉट हमारा आया था √2 × 10
डिवाइड बाय रूट टू अगेन, रूट टू से रूट टू मर गया, देन आंसर हमें मिलता है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर वो करंट होगा जिस करंट पर ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। ठीक है, कंप्लीट है। चलिए अब इसमें हमारे पास इसका लास्ट पार्ट और बच्चा, इसे फटाफट नोट डाउन कर लो एक बार, फिर देखते हैं, जल्दी करो। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अभी हमें ये हटा देते हैं यहां से। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट, और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली हम बात जानते हैं अच्छे से, ये होता है हमारे पास ओमेगा एल डिवाइड बाय आर। ठीक है, और ओमेगा जो होता है ये कौन सा होता है, ये होता है बेसिकली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। तो यहां पर हमने लिख दिया ओमेगा आर। ठीक है, अब ओमेगा आर क्या होगा हमारे पास, ओमेगा आर होगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू आर डिवाइड बाय एल, और ये आता है कैपिटल आर। ठीक है, अब एफ आर का मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, कैपिटल आर का मतलब हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और एल जो है बेसिकली वो हमारे पास यहां पर क्या होगा, एल हमारे पास होगा हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, प्लेस करो, चलो वैल्यूज को देखो, 2 एज इट इज, पाई की जगह हमारे पास कितना है 3.14 इंटू में फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई थी 663। ठीक है, इंटू में एल, एल की वैल्यू हमारा 0.12 है, डिवाइड बाय आर, आर हमारे पास गिवन है 23, और फाइनलाइज करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है बेसिकली वो मिलता है 21.7। तो ये हमारे पास होगा यहां से क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर, कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। ओके, चलिए आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा।